हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले हम लोगों ने आड़ू तोड़ा, अब सेकंड बारी है खुबानी की। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारा बलवा जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने, वो तोड़ रहा है अभी और थोड़ी बहुत तोड़ चुका है। और इसे वैसे प्रोनाउंस खुबानी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं खुमानी बोलते हैं इसे। तो यार दिखाता हूँ मैं अभी आपको कि कैसे इस बार वैसे ठीक हुए हैं, थोड़े उतने छोटे नहीं हैं दाने। वैसे ये अभी ये बोल रहा है, मेरा असली नाम बता दो। इसका नाम है वैसे कमलेश, ऐसे ही घर में प्यार से इसे बोलते हैं बलुआ। तो यार अरे अच्छा नाम है भाई तेरा। तो ये रहे हमारे खुमानी। और अभी जो है बलवंत ने इतने तोड़ चुका है, अभी देख सकते हो नीचे भी हैं कुछ। वैसे सीजन का सबसे पहला फ्रूट है जो हो जाता है तैयार, लेकिन इस बार हमने आड़ू से स्टार्ट किया क्योंकि बॉम्बे भेजना होता है उसे, और ये हमारे लोकल मार्केट में ही जाएगा। अभी चलते हैं नीचे की ओर और दिखाता हूँ आपको क्लोज़अप शॉट्स खुबानी के। ये देखिए, एक चीज़ और रखी गाइज, आपको दिखाता हूँ मैं। तो इस बारी जो है खुमानी के साइज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो बीच में ख़राब खुमानी, ये जो दो दिन की बारिश हुई है यहाँ पर तगड़ी वाली, उसकी वजह से ये फट गए हैं। तो यार हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। और ये दूसरे पेड़ की हालत आप देख सकते हैं, ये देखो गाइस कैसे फट चुका है। और यहाँ देखो, तो काफ़ी लॉस हमें होता है इस चीज़ से। और जैसे कि कभी ओले यहाँ पर गिर जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये ख़राब हो जाते हैं, सेब आड़ू या फिर और जो फल हैं वो सारे ओले की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है इस चीज़ का। खुमानी की बात करें तो इसे खाए बगैर रहा नहीं जाता गाइस, तो एक टेस्ट करते हैं अभी। लाजवाब हो रहा है गाइस टेस्ट तो, बट ऐसा है अभी मैं काफ़ी फ्रूट्स खा चुका हूँ इससे पहले भी, तो खाए जा रहे हैं उससे मेरे दांत जो हैं खट्टे हो चुके हैं अभी। तो यार खुमानी की बात करें तो ये मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है पहाड़ का, और इससे पहले भी मैंने जो वीडियोस डाली हुई हैं आपको उसमें प्रॉपर मैंने दिखाया है आपको कि कैसे क्या होता है। ये जो अभी की वीडियो हैं ये सिर्फ अपडेटेड वीडियो हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अभी करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यार अभी टाइम हो चुका है, 1 बज चुके हैं और सूरज जो है हमारे सर के ऊपर है, तो अभी निकलते हैं घर को और हो चुका है टाइम लंच का, तो मिलते हैं लंच के बाद। बाय बाय। एक बार फिर से स्वागतम गाइस। अब यार एक बार फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 महीने पहले मैंने इससे पहले की वीडियो शूट की थी और मैं आप लोगों को कह के गया था कि लंच के बाद मिलते हैं, पर वो लंच आज पूरे 1 महीने तक हो गया। और इस वीडियो को हम सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं, पर इस बार भी हम सभी को बहुत नुकसान हो गया गाइस। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होगे खुमानी का पेड़, इस बार भी ये बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है। सो अभी चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या कुछ हुआ है। तो यार ये रहा वो खुमानी का पेड़। तो अभी हम इसको, मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगा इसको
अच्छी तरह से, और इसके ऊपर चढ़ के भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हो पूरी खुमानी ख़राब हो चुकी है। सड़न आनी स्टार्ट हो गया इसमें। देखो गाइस, सारी खुमानी ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से। तो यार अभी मैं हूँ पेड़ के ऊपर और दिखाता हूँ आपको कि कितना हुआ है नुकसान। तो सबसे पहले तो ये देखो गाइस, चार दाने टोटल इसमें और एक दाना तो पूरा सड़ चुका है। ये देखो, और भी देखो सामने और ये नीचे, एक भी दाना साबुत नहीं है इनमें। ये देखो कैसे सड़ चुके हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ख़राब हो चुके थे, इसलिए इनको तोड़ के रखना भी बेकार ही था, इसलिए हमने इनको तोड़ा नहीं है। ये देखो, अगर एक भी दाना साबुत सही होता तो मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता, बट क्या कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का होता है बादाम। तो यार एक दाना मैं तोड़कर दिखाता हूँ इसके अंदर की गुठली आपको। तो यार जैसे कि ये एक दाना है, ये देख रहे हो आप, पूरा बारिश से पूरा फटा हुआ है। तो इसको इस तरह से यहाँ से अगर हम इस तरह से निकाल देंगे तो इसमें से निकलेगी एक गुठली, बस इसी को फोड़ के इसमें से एक दाना निकलेगा जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया। तो वही है बादाम, उसे ही बादाम बोला जाता है। इसकी पत्तियाँ, इसकी लकड़ी, फ्रूट का कलर, सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, बस सिर्फ एक गुठली के दाने का टेस्ट छोड़ गए। तो यार इस बादामी खुमानी के साथ ही में लगते हुए ये एक आड़ू का पेड़ है हमारा, ये देख सकते हो आप, सबसे लेट में तैयार होती है। सिर्फ दो तीन ही पेड़ हैं हमारे पास इस वाली वैरायटी के। तो इससे पहले की जो वैरायटियां मैंने आप लोग को दिखाई हैं, अगर आपने इसको टेस्ट कर लिया ना, उन दोनों को आप भूल जाओगे। तो ये सबसे लेट में तैयार होती है और इसका टेस्ट गज़ब का होता है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा इसे आपने एक बार खा लिया तो। अभी ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टाइम और है इसे अभी पकने में। तो यार अभी मैंने आप लोग को दिखाया कि क्या कुछ हुआ है, और वैसे भी कुदरत से कौन लड़ सका है आज तक, तो ये सब पहाड़ों पे होते ही रहता है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये हमारे पास सिर्फ एक ही पेड़ है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक खुमानी एक महीने पहले तैयार होगी और दूसरी एक महीने बाद, तो ये सब वैरायटी होती हैं गाइस। तो एक वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है और दूसरी लेट में होती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एक महीने पहले वाली खुमानी है उसका हम सिर्फ फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, इसका हम ये इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2-in-1 है। तो इसे हम इसका हम फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो गुठली निकलती है उसे भी हम खा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है बादामी खुमानी। उस वाले का अगर आप लोग गुठली निकाल के खाएंगे, गुठली फोड़ के अंदर से जो दाना निकलता है वो खाएंगे, तो वो कड़वा होता है लेकिन इसका मीठा होता है, तो इसलिए बादामी खुमानी बोला जाता है इसको। तो यार ये थी आज की कहानी, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।